जब गणपति पप्पा बैठे थे मैंने भी बैठा लिए थे, आपने ब्लॉग भी देखा होगा मेरा। मैंने ना सिर्फ एक दिन ही पूजा कर पाई थी, मतलब स्थापना की, और शायद शाम को भी हमारी आरती हो गई थी संध्या आरती। क्या बताऊँ मैं, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ और उस चक्कर में ना घर में 2-3 डेथ हो गई हैं, तो दिमाग इतना ख़राब है। फिर हम लोग वहाँ गए, वो सारी चीज़ें जो हम देख के आए हैं वो आज भी इतना गुड इवनिंग, कैसे हो सब? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सो गाइस, शाम के बज गए हैं 4 और जस्ट मैं अभी थोड़ा सा सो गई थी दोपहर में 3 बजे के टाइम पे, और अभी बज गए हैं 4, 1 घंटा हो गया। मैं एकदम से मेरी नींद खुल गई है, अजीब से कैसे कैसे सपने से आ रहे थे, तो मैं खड़ी हो गई हूँ। अभी अनभ्या अभी सो रही हैं दोनों, और दिन है संडे। ये हैं मकान पे, अभी चले गए थे, तो इस टाइम ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पूजा पाठ भी नहीं हो रही है। वैसे ना मैं दिन में सो ही नहीं रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैंने दिन में सोना बंद कर दिया है, बट इस टाइम ना कुछ ऐसी कंडीशन चल रही है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसे ही मैं लेट गई थोड़ी देर के लिए, सो गई। उसके बाद अजीब अजीब जाने कैसे कैसे सपने से आ रहे थे मुझे, तो मैं एकदम से खड़ी हो गई। और जब तक पूजा पाठ नहीं होता है घर में, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, मुझे अंदर से बहुत ख़राब लगता है, माइंड मेरा बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या छूट रहा है, और सारी चीज़ें हो रही हैं घर में, बस पूजा नहीं हो रही है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ऐसा ही लगता है मुझे। पूजा से ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सारी चीज़ें सोचने समझने का, जब तक पूजा ना करो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लग रहा है। पूजा करते हैं तो दिमाग भी ठीक रहता है और अच्छा भी लगता है, सुबह की 1 घंटा की पूजा शाम को थोड़ा रिलैक्स रहता है, बट इस टाइम पे वो भी नहीं हो रही है, क्योंकि इधर आ गई हूँ मैं, इधर अभ्या नभ्या सो रही हैं दोनों, ये देखो दोनों सो रही हैं। सो गाइस, पूजा क्यों नहीं हो रही वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब गणपति बप्पा बैठे थे मैंने भी बिठा लिए थे, आपने ब्लॉग भी देखा होगा मेरा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने ना सिर्फ एक दिन ही पूजा कर पाई थी, मतलब स्थापना की, और शायद शाम को भी हमारी आरती हो गई थी संध्या आरती। उसके दूसरे दिन ना हमारे परिवार में किसी के बेटा हुआ था, तो उसकी सोवर हो गई थी, इस वजह से फिर 10 दिन तक ना तो पूजा हुई गणपति बप्पा की, आरती कोई भोग नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभ्या रभ्या अभी कर नहीं सकती हैं, छोटी हैं दोनों, और हम छूने लायक नहीं थे, मतलब शोवर थी घर में तो हम लोग कर नहीं सकते थे, तो इनसे हमने भोग लगवाया है, जैसा भी कुछ उन्होंने लगाया है, बना के तो कुछ नहीं लगाया है, बट जो भी घर में था उससे हमने लगवाया है, बट अभी दीपक नहीं जला सकती हैं वो, और धूप बत्ती वगैरह कुछ जलाने लायक नहीं है, क्योंकि कभी जलाई ही नहीं है, दीपक लगाते समय कहीं हाथ वाथ ना जला ले, इस वजह से मैंने नहीं जलवाई है, सिर्फ भोग लगा दिया है। तो इतना ख़राब लग रहा था मुझे, इतना बुरा लग रहा था कि मैं गणपति बप्पा की पूजा नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा पता होता तो हम बिठालते ही नहीं, बट पहले से कुछ भी पता नहीं था, तो हमने स्थापना कर ली थी, उसके बाद हमें पता चला दूसरे दिन की सोवर हो गई है, घर में पूजा नहीं करेंगे, फिर ऐसे ही बैठे रहे, फिर बाद में विसर्जन भी नहीं किया हमने घर पे। वैसे ही हर बार हम घर पे ही विसर्जित करते हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से भोग लगाते हैं, और इस बार फिर हमने पीछे जो हमारे बड़े वाले गणपति पप्पा बैठे थे कॉलोनी में, वहीं पे रखवा दिए थे, उनके साथ ही विसर्जित हो गए थे, वो गए होंगे उन्हीं के साथ चले गए थे, तो अभ्या नभ्या ही लेके गई हैं, ये साथ में गए थे, अभ्या नभ्या लेके गई हैं, पीछे रखवा के आए थे ये, तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही 10 दिन हो गए, मतलब 10-12 दिन के बाद जो चौक होता है ना, चौक के बाद हमारी पूजा स्टार्ट होती है, तो चौक हो गया था, उसके बाद मंडे को मैंने शाम को 8 बजे मैंने अपना मंदिर साफ़ किया पूरा, मैंने कहा कल मंगलवार है, फोन आया था कि मंदिर साफ़ कर लेना, पूजा कर सकते हो कल से, आज से,
तो मैंने सोचा चलो आज ही साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आज सोमवार है और कल मंगलवार है, तो मंदिर वगैरह साफ़ करेंगे, आज ही कर लेते हैं। तो मैंने शाम को आठ बजे मंदिर साफ़ किया और शाम की संध्या आरती की। उसके बाद सुबह ही पता चला मेरी ससुराल की फैमिली में, जो मेरी जेठानी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई, सीरियस हो गई। तो फ़ोन आता है कि वो मतलब ग्वालियर में हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन है। तो फिर ऐसे ही पूरे दिन चलता रहा, मैंने सुबह पूजा नहीं की थी क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है किसी का, सुन लो, फिर फैमिली वाली बात थी, तो फिर मैंने पूजा नहीं की। शाम होते होते उनकी डेथ हो गई थी, फिर से पूजा बंद हो गई। तो ट्यूसडे को, अभी मंगलवार को उनकी डेथ हुई थी, तो आज क्या आया, संडे है, फिर से पूजा बंद हो गई। मतलब सिर्फ मैंने शाम को ही पूजा करी थी और बीच में ही जो हमारी जेठानी लगती थी ना, उनसे पहले बहुत ही बड़ा एक हादसा हो गया है, एक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही भयानक, बहुत ही ख़तरनाक, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना। इतनी बड़ी हो गई मैंने तो नहीं सुना है कहीं भी। मेरी देवरानी के दोनों भाई उस एक्सीडेंट में चले गए, दोनों की डेथ हो गई। और वो जॉब पे जा रहा था, उसकी ना गवर्नमेंट जॉब लग गई थी टीचिंग में, तो जॉइनिंग पे जा रहा था, तो उसकी क्या बताऊँ मैं, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ। और उस चक्कर में ना घर में दो तीन डेथ हो गई हैं, तो दिमाग इतना ख़राब है। फिर हम लोग वहाँ गए, उनका एक्सीडेंट हुआ था शनिवार को, और शनिवार संडे मंडे ट्यूसडे को मेरी जेठानी, मेरे बड़े पापा की बहू थी, तो इतना ज़्यादा हम लोग वहाँ पे गए, इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट की वो सारी चीज़ें जो हम देख के आए हैं, वो आज भी इतना डिस्टर्ब कर रही हैं दिमाग को। कोई बाहर का होता है ना, उसको भी बुरा लगता है इंसानियत के नाते, हम तो फिर भी फैमिली के हैं, परिवार के हैं, और हमने हमेशा देखा है, ऐसा तो है नहीं हमने कभी देखा नहीं हो। उनको दोनों भाई चले गए एक साथ, सोच के देखो एक बार कितना बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा किया भगवान ने, बहुत ही बुरा किया सच में। ऐसा कभी ना करे भगवान, किसी के साथ ना करे, बहुत बुरा किया। तो कल मंडे है, हो सकता है हम लोग कल फिर से जाएं वहाँ पे। इतना दिमाग ख़राब हो गया, वही सारी चीज़ें माइंड में घूमती रहती हैं। मतलब पूरा ट्रक से हुआ है, ट्रक और बाइक की टक्कर हुई है, बाइक से जा रहे थे तो ट्रक ही जल गया, आधा ट्रक जल गया, बाइक पूरी जल गई, बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था। तो इस चक्कर में भी दिमाग ख़राब रहता है, कुछ चीज़ें होती है ना कि सामने से देख के आओ आप, फिर वही सारा कुछ सोचो कि अचानक से कुछ भी हो जाए तो फिर सबको बुरा लगता है। तो इस चक्कर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर में समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। जग गई अभ्या, नभ्या जग गई है, अभ्या वहाँ क्यों लेट रही है, इधर आओ। चलिए यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से ना मैंने फेस टू फेस बात नहीं की थी, इसी चक्कर में मैंने आप लोगों से बात नहीं की है, ब्लॉगिंग नहीं की है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है ब्लॉगिंग में, ना ही किसी चीज़ में। तो इसलिए मतलब ये घटना है सैटरडे की और आज है संडे, नौवा दिन है आज। और मेरे ख्याल से मैंने इतने दिनों के बीच में कोई भी वीडियो नहीं बनाया, बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं की है, मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने का। तो आज मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। और हाल ही में जो मैंने अभी एक ब्लॉग अपलोड किया है, वो ब्लॉग मेरा अभी का नहीं था, वो बहुत पुराना था, गणपति बप्पा बैठे थे ना, उससे भी पहले का ब्लॉग था, बट मैंने शेयर नहीं किया था, गैलरी में पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। आज मैंने सोचा चलो आप लोगों को बताते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। बहुत ही बुरी कंडीशन चल रही है घर में, मतलब दो तीन डेथ हो गई हैं, तीन, बहुत बुरा लग रहा है। और क्या ही कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। चलिए गाइस, यहीं पर मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ।
ये तो नहीं कहूँगी कि वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छी ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय माता दी, जय भोलेनाथ।